हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। युवा री बात अमित शाह के साथ कार्यक्रम 6 संभागों से अलग अलग जगह से युवा जुड़े, 200 विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से किया संवाद। राजस्थान के युवाओं से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर में किया संवाद। श्री अमित शाह का संबोधन, कमल को सींचने का काम इस देश के युवाओं ने किया है, विकास करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां के लोगों के जीवन में सुधार आया है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने प्रदेश के हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। वसुंधरा सरकार ने राजस्थान को विकास कार्य के चलते सबसे ऊपर लाकर खड़ा किया है। भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ देश प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया है। कांग्रेस 5 साल पहले प्रदेश का बजट 94,000 करोड़ रुपए छोड़कर गई थी, जिसे वसुंधरा सरकार ने उसे बढ़ाकर 2,12,000 करोड़ तक पहुँचाने का काम किया है। गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग को प्रताड़ित अपमानित करने का काम किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। जिन लोगों को भारत माता की जय बोलने में हिचकिचाहट होती है उनको इस धरती का अन्न खाने का कोई अधिकार नहीं है। भव्य राम मंदिर का होगा निर्माण, ये हमारा वादा है। बहनों को सम्मान के साथ जीने का हक भाजपा ने दिलवाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन, राजस्थान आईटी के क्षेत्र में अब नंबर 1 बताया जा रहा है। राजस्थान के 100 होनहार बच्चों को सिलिकॉन भेजा गया। भाजपा ने 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। नई चीजों को नए विषयों के साथ करेंगे शुरू। भाजपा ने 50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। भाजपा ने ऐसा काम किया है कि अब गांव के अंदर भी आपको रोजगार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा। राजस्थान कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। भाजपा ने इसे बीमारू राज्य से बाहर निकाला और विकसित राज्य में लाकर खड़ा किया है। और कांग्रेस ने सिर्फ काम में बाधा डालने का काम किया है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।